सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग। गाइस, आज हम करने वाले हैं फुल नाइट कैंपिंग, वो भी गंगा जी के किनारे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि हमारे पास कैंप का सारा सामान है। और इस कैंपिंग में हमारे साथ रहने वाला है रोकी। अभी ये देख रहा कि यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं आने का, पीछे की तरफ से कोई जंगली जानवर नहीं आने का, लेकिन आगे की तरफ से जंगली जानवर आ सकता है। तो गाइस, अभी मैं तुम्हें दिखा दूं कि हम है कहाँ पे। गाइस, जहाँ हम कैंप लगाने वाले हैं वो ये जगह है, और इस जगह के बिल्कुल पीछे गंगा जी है, और गंगा जी से पीछे बहुत बड़ा जंगल है। और उस जंगल में ऐसा बता रहे थे यहाँ के लोग कि जंगली हाथी आता है, शेर वगैरह कोई बाघ वगैरह नहीं आता, जंगली हाथी आ जाता है कभी कभी पानी पीने के लिए, तो उधर जाने की परमिशन नहीं मिली थी। तो आज गंगा जी के किनारे कैंपिंग करेंगे, और वो भी अपने रियल वाले कैंप के अंदर। तो ये रहा हमारा कैंप लगाने का सामान। चलो गाइस, अपनी नाइट कैंपिंग गंगा जी के किनारे स्टार्ट करते हैं, वो भी अपने डॉग्स के साथ। आइए देखते हैं मजा। ये वाली चीज देख के तुम हैरान हो जाओगे कि ये क्या सामान ले आया पीके भाई। अच्छा, ये ले आया मैं हटपावड़ी, यानी के फावड़ा, कुछ भी बोल सको तुम इसे। ये एडजस्टेबल फावड़ा है, कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर सके इसको ऐसे करके। अब हम इसको फावड़ा बना लेंगे, और कभी कभी हम इसको ऐसा भी बना लेंगे। को अंदर घुसाने के लिए ये ढूंढना पड़ेगा कि कहीं नीचे पत्थर तो नहीं है। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। गाइस, ये अपने टेंट का अंदर का हिस्सा है, बिल्कुल झोपड़ी के जैसा है। और गाइस, अंदर ऐसी फीलिंग आने वाली है जैसे कि हम झोपड़ी के अंदर हो। ये वाला जो कपड़ा है ये है वाटरप्रूफ कपड़ा, अपने टेंट के ऊपर इसे डाल देंगे। पीछे चेक कर सकते हो, अपना टेंट बिल्कुल लग के रेडी हो गया। ये रहा अपना प्रॉपर टेंट, और सामने ये रही गंगा जी, और यहीं पे गोते मारेंगे नहा के सीधा अपने टेंट के अंदर। चारों तरफ से अपना टेंट बिल्कुल ओके हो गया। रात के टाइम जब पानी में से आवाज आवे ना, तो ऐसा लगा है कि कोई सांप वगैरह तो नहीं है यहाँ। ज्यादातर सांप का खतरा और जंगली कुत्तों का और जंगली हाथी तो आने के नहीं आ रही, इधर गंगा जी पार करके नहीं आने के आती। इस टेंट के अंदर चैन है, पूरी चैन पैक करके आराम से अपना टेंट के अंदर रहेंगे। थोड़ी देर में अपनी गाड़ी को भी कैंप के पीछे लाके खड़ी कर लेंगे, क्योंकि रात के टाइम हमें नहीं पता कि हमारी गाड़ी के साथ क्या घटना घटित हो जावे। बात सही। रात की ठंड से बचने के लिए अपने पास ये वाली चीज है, इसको बोलते हैं स्लीपिंग बैग। रोगी यहाँ इस फिराक में है कि किसी तरीके से मेरे को खुला छोड़ दिया जाए, और मैं ना सीधा अटैक करूंगा पता किसके ऊपर। जैसे कि अपने गैंग वाले आ रहे, उन्हें देख के भी अटैकिंग पोजीशन में आ गया। कैंप को अंदर से कम्फर्टेबल बनाने के लिए गद्दा भी आ गया। गाइस, स्पेशल मैं अपने डॉग्स के लिए कंबल लेकर आया था, क्योंकि भाई अपने डॉग्स को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगनी चाहती। भाई, अभी मैं कैंप के अंदर हूँ, लेकिन रोकी और बर्फी को लेके नहीं आया अभी। और मैं पहले तुम्हें दिखा दूँ कि हमारे पास कैंप के अंदर क्या क्या है। इस कट्टे के अंदर है पेडिग्री, जो कि हम अपने रोकी और बर्फी के लिए लाए हैं, इतनी बहुत है। इस साइड में ये सारे हमारे बर्तन है, जिन बर्तन में हम अपना खाना बनाने वाले हैं। और ये हमारे स्लीपिंग बैग है, हमारे पास 3 स्लीपिंग बैग है। कि सिलेंडर बाहर रखा हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में खाना बनाने वाले हैं। गाइस, आज ऐसा फर्स्ट टाइम होने वाला है, बल्कि हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम होने वाला है। अबे तेजे भी आ रहा लेने के लिए, रुक जा एक मिनट, रुक जा मैडम, रुक जा। गाइस, उसे भी लेके आना पड़ेगा, रुक जाओ पहले, उसे भी लेके आते हैं। बर्फी का मन नहीं लगता रोकी के बिना। अभी इनको कैंप के अंदर लेके चलते हैं, और ये देखते हैं कि ये कैंप के अंदर कोई खुरापात तो नहीं करने के, क्योंकि इनका भी फर्स्ट टाइम है, ये भी कैंप के अंदर फर्स्ट टाइम रहने वाले हैं। और भाई, हम भी कैंप के अंदर फर्स्ट टाइम रहने वाले हैं। अभी अपनी गाड़ी के पास आ गए, यहाँ से गाड़ी नीचे उतार के सीधा गंगा जी के पास लेके चलते हैं। देखते हैं भाई, अपनी स्विफ्ट गाड़ी है, 4x4 तो है नहीं। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, जाओ आ जाओ, मोड़ दो बस भाई। ये रही अपनी गाड़ी, और सामने वो रहा अपना कैंप, वो दिख रहा होगा तुम्हें वहाँ, ये वाला। तो इतनी दूर अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब गाड़ी को लॉक करते हैं। अभी मैं भाई मार्केट ढूंढता हूँ, यहाँ कहीं मार्केट मिलेगी, दूध लेके आना, और रोकी और बर्फी के लिए बर्तन लेके आना। भाई, इस एडवेंचर को करने में हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा कि हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो, बट महादेव की नगरी में अनहोनी तो होने वाली नहीं। मैं जंगल के रास्ते से मार्केट जा रहा, सारा जंगल ही है, ये जंगल का रास्ता है। इस रास्ते से जाते हुए हम वहाँ गए जहाँ हमने कैंप लगाया। फाइनली दूध तो मिल गया। ये देखो कितना छोटा सा घर है, लेकिन यहाँ ना एक डॉग ये रहा और एक डॉग वो रहा। सॉरी, एक डॉग ये बैठा, मतलब इन्होंने ना इतने छोटे से घर में इतने सारे डॉग रख रखे। गाइस, पूरे 4 किलोमीटर दूर पैदल चल के गया हूँ, पानी भर के लाया हूँ, दूध और दही भी लेके आया हूँ। अभी मैं अपनी गाड़ी के पास भी आ गया, एक बार अपनी गाड़ी को भी चेक कर लूँ। भाई, अपनी गाड़ी बिल्कुल सही है क्या? ओ भाई, और ठंड देखो कितनी। ओके, मामला बिल्कुल। सामने से जब ठंडी ठंडी हवा आएगी,
मैं तो डर गई। बस हमें अपने डॉग्स का ध्यान रखना, उनको सर्दी नहीं लगनी चाहती। ये रहे अपने दोनों मेंबर और ये रहा अपना रॉकी। इधर की साइड इन्होंने तो अपना खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया। आज क्या बना रहे खाने में? चावल। चावल है नमक के। जब तक ये खाना बनाएंगे तब तक मैं डॉग्स के लिए खाना तैयार करता हूँ। एक कप, दो कप। लो भाई, इसमें थोड़ा सा दूध भी मिला दिया। बर्फी को तो रख दिया खाना, लेकिन रॉकी का भी मन कर रहा, बट बर्तन एक ही है। बर्तन क्या है यार, जुगाड़ कर रखा। पहले बर्फी खा लेगी, उसके बाद रॉकी को रखूंगा। रॉकी और बर्फी का खाना तो हो गया, लेकिन अपना भी खाना बनने वाला है। गाइस आ जाओ भाई, ताजी ताजी खिचड़ी खिलाएंगे बना के तुम्हें। रॉकी को इस टाइम मौका मिला, सीधा कूद जाओ गंगा जी में। अभी टेंट के अंदर आके आराम से नींद आने वाली है, क्योंकि अपने साथ रॉकी है ना, और अपने साथ स्लीपिंग बैग भी है। ठंड भी नहीं लगने वाली। रॉकी के लिए कंबल वगैरह का जुगाड़ कर दिया। ये वाला कंबल डबल बेड का है, नीचे भी कंबल हो गया और इनके ऊपर भी कंबल ढक देंगे, ताकि इन्हें सर्दी 1% भी ना लगे। वैसे भी टेंट के अंदर तो आने की नहीं सर्दी। अपनी खिचड़ी बन के बिल्कुल रेडी होगी। ये चेक करो भाई, खिचड़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इधर की साइड में ये दोनों सो गए। अबे तू उठ क्यों जावे, तेरे बारे में बात करती खड़ी होकर चल पड़े। अपना खाना खाने से पहले थोड़ी भगवान जी के लिए भी निकाल दें, क्योंकि गंगा किनारे हैं भाई, थोड़ी सी तो बनती है। सबकी खिचड़ी रेडी है, इसके अंदर डालते हैं दही। मजेदार खिचड़ी भी सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बननी, घनी ज्यादा स्वादिष्ट बननी। अपने सारे डॉग्स ने खाना खा लिया। यहाँ आके भाई जो फील आ रहा ना, सच में इतना ज्यादा मजेदार फील आ रहा, इतना ज्यादा मजेदार फील आ रहा। हम बस इंतजार कर रहे खाना खाते हुए, ये देख रहे कि उधर की साइड से कोई हाथी आवे पानी पीने के लिए और उसे हम देख ले, बट लग नहीं रहा। अब तक तो कोई आवाज नहीं आई, जब आएगी तब देखेंगे। आई जब सारे टेंट के अंदर आ गए, ये दोनों भी आराम कर रहे, वो दोनों भी आराम कर रहे। वीडियो स्टार्ट करते ही रॉकी तो तुरंत जाग जा, और बर्फी अगर बाहर कोई भोंक भी रहा ना, आहट भी हो रही, तुरंत एक्टिव हो जावे। ऊपर से पानी देखो, टेंट के अंदर पानी आ गया यार, ये समस्या है। गाइस टाइम हो गया 9:53, अभी बाहर निकल के थोड़ा सा दिखाता हूँ तुम्हें कैसा माहौल है बाहर का। ये खुल गई अपनी चैन, अपनी नी सॉरी टेंट की, और ये देखो भाई नजारा बाहर का। और चंदा मामा भी निकल गए। बाहर निकलते ही तो पूरी ठंडी हवा है। आवाज सुनो भाई जंगल में। ओए अंदर चल, अंदर अंदर। घूमते घूमते काफी टाइम हो गया। धुंध देख लो कितनी ज्यादा आ गई, बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ, गंगा जी भी नहीं दिख रही, इतनी ज्यादा धुंध आ गई और हवा भी बहुत तेज चल रही। भाई अपने कैंप के अंदर घुसता हूँ। अबे खोल दो यार, अबे नीचे तक बंद कर दे उन्होंने तो। ठंडी ठंडी हवा लग रही कानों पे भी। अभी अंदर घुस के अपना स्लीपिंग बैग खोलते हैं। खोल दो। आगे भाई साहब, अबे चप्पल अंदर रख लो के गाइस, चप्पल भी अपने अंदर रख लेंगे, बहुत ठंड है। और ये चैन करते हैं बंद। अपने पास ये स्लीपिंग बैग है, तो गाइस अभी स्लीपिंग बैग की अनबॉक्सिंग करते हैं। खुल जा भाई साहब। अबे दो एग के अंदर। गाइस ये पहली बार यूज कर रहे हैं हम कैंप के अंदर भी पहली बार रह रहे हैं, स्लीपिंग बैग भी पहली बार यूज कर रहे हैं, ऐसे घुसने वाले हैं इसके अंदर। ये गए भाई हम स्लीपिंग बैग के अंदर। यार मेरे को तो चैन खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं तो ऐसे ही घुस गया। ये गई चैन बंद। नहीं उड़ जा गए। आ गया सिर से इसका। गाइस स्लीपिंग बैग अपना बिल्कुल रेडी है। अब भाई साहब सेंटर में हो जा। सब कुछ हम पहली बार, गाइस ये सारा कुछ हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अब यार ये जैसे भी हुआ ऐसे हो गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा भाई, ये हमने सही भी कर लिया क्या? तो फिर यार यूं क्यों आ गए सेंटर में? जो सेंटर में नहीं आती चैन बराबर में जागी, फिर पहले की नहीं बता रहे था। हो गया गाइस, चलो तो गाइस सोते हैं भाई। अबे यार इसमें मैं पहली बार सोया, देखता हूँ भाई नींद आएगी क्या। बट ये पानी की धारा लग रही मेरे ऊपर, गिरेगी माथे पे। ए आली 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 ए ए ए। यार एक सीन बन गया इसके अंदर से ना, दो लिख दिया आइटम, तो ये दो आइटम ना भाई मेरे को लग रहा कुछ और सीन है इसके अंदर। जो ये है ये फौजियों वाला सिस्टम है, जैसे कि फौजियों वाला हुआ है के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है पन्नी जैसा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पहरू कैसे है। मैं एक काम करता हूँ भाई, फौजी वाले में सर्दी नहीं लगने की, हमारे पास तीन है, एक और ये रहा, एक इसने अपना खोल ही लिया। ले भाई तू भी खोल ले अपना, और मैं तो फौजी वाले में घुसूंगा। ये स्लीपिंग बैग ऐसा सोता है, अगर कोई आ गया ना और वो हमारे पाड़ा लगा, हमें पिट्टे लगा, तो भाई हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बात तो सही है, हमें पीट के भी जाएगा, दही तोड़ के भी जाएगा, और हम इस स्लीपिंग बैग में पड़े रहेंगे। जी भाई पता नहीं कैसे रहते होंगे इसमें। लो गाइस मैंने तो दूसरे वाला भी पहन लिया। सारा मामला रिपटना रिपटना हो रहा है यार। ये जो नीचे गद्दा है ये भी रिपटना और ये भी रिपटना। रोगी को देख लो भाई, कंबल उड़ गए, ये तो सही फरमा रहा आराम। गाइस अपने साथ में आदि मानव को भी लेकर आ गया। ऊपर तेन गाल ले चुकर सूटर गाल रहो। फंस गया भाई हो। काट दो इसे बैर। अरे यार लिगड़ जा भाई, लिगड़ जा।
इसने तो मना कर दिया ऐसे उड़ने का। कम मम्मा चाय बनाओ पहले। यार पलौती भी नहीं मारी जाती इसमें तो। पलौती नहीं मारी। हैं? इसमें तो पैर भी नहीं मोड़ सकते ना कुछ कर सकते ना पलौती मार के बैठ सकते बस लेटे रहो। भाई क्यों हुआ क्यों हुआ? अरे 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 गाइस यू सही काम है भाई। यू बढ़िया काम है। अगर चलना पड़ा करना तो नू चलना बस। अरे मैं तो एक जगह रह गया। यार पलौती मारने का मन कर रहा है बट मारी नहीं जा रही। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बाहर बैठ के चाय बना ले क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा धुंध आ रही कुछ नहीं चमकने का। अगर हमारे पास कोई आके खड़ा भी हो गया ना वो भी नहीं दिखने का। सिलेंडर अंदर ही रख लिया और यही आग लगा दी। टेंट के अंदर ही आग लगा दी। इसके अंदर ही चाय बनानी शुरू कर दी। बस टेंट ये जड़ है ना। आज भी डालते हैं चाय की पत्ती। अब डालते हैं चीनी। चाय जी आ गई अपनी चाय। आप भी आ जाओ कैंप में बैठ के चाय पी लो। और बाबा की दया है नीखड़ू दूध की है लाड़ले। गाइस टाइम 1:01 हो गया। अपने हाथ में चाय का गिलास है। अबे ओए अभी थोड़ी देर पहले धुंध आ रही थी बिल्कुल साफ हो गया मौसम। आज मैं बाहर आया हूँ अपनी चाय ठंडी करने के लिए क्योंकि चाय बहुत गर्म है। एक बार गंगा के पानी में ऐसे घुमा दी ना पूरी चिल्ड हो जाएगी। बस धुंध ही गई ठंड नहीं गई। ठंड उतनी ज्यादा है। अंदर घुसने में फायदा है। नहीं भाई मैं तो छोड़ दिया देख के। मगर मैं जाएगा तू गाइस यू मगरमच्छ पड़ा है कि मेरे बराबर में एक मिंडक पड़ा। क्या बोला तूने? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बन गया। रात के 3 बजे बर्फी इसकी पप्पी ले रही। गाइस जब तक नींद नहीं आई पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही यार। अबे अब मेरे पास वाली पप्पी ले। अबे हट जाओ ए पप्पी उसकी ले जाके उसकी पप्पी ले। 3:12 हो गए। रात के 3 बजे गंगा जी के पास ऐसा माहौल है। मैं बाहर निकल के आया साथ में रोकी को और बर्फी को लेकर ताकि मेरे को हाथी दिख जा बट हाथी अब तक नहीं आया। कब कभी छूटनी स्टार्ट होगी। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7:14 हो गए। पानी देख लो कैसे टपक रहा। लेकिन अभी सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा रोकी को और बर्फी को बाहर निकालना पड़ेगा घुमाना पड़ेगा ताकि ये फ्रेश वगैरह हो। पंछियों की चहचहाट सुनो तुम। और सामने अभी गंगा जी का व्यू भी दिखाता हूँ तुम्हें। गाइस अभी ये व्यू चेक करो भाई। वाह यार भाई ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार क्या फील है। गाइस बहुत इंतजार करा कि हाथी आएगा लेकिन कोई हाथी नहीं आया। जय श्री राम। अब रात को अगर कोई भी आ जाता खतरनाक जंगली जानवर कुछ भी आता तो रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश बागपत जिला गाँव रोमाला। रोगी को खुला छोड़ना खतरों से खाली नहीं आया क्योंकि सामने से दिख गया कुत्ता। वो रहा एक कुत्ता खुला छोड़ दिया ना तो तुम इसकी नजर देख लो। इसकी जो नजर है ना जो एक आंख पत्थर की है और एक आंख नॉर्मल है वो नजर सीधा उस कुत्ते के ऊपर है।